मुलायम की सीट पर चुनाव लड़ेंगी बहू डिंपल। डिंपल की जीत का फॉर्मूला है सिंपल। बीजेपी खेमे में गहराया उम्मीदवार पर चिंता। मैनपुरी के रण में किसको मिलेगा जन समर्थन? सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी ने आखिरकार वो फैसला ले लिया है जिसके लिए कई दिनों से मंथन चल रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता की सीट पर डिंपल यादव यानी कि अपनी पत्नी को लड़ाने का फैसला किया है। अंदर खाने की रिपोर्ट की माने तो अखिलेश ने अपने पिता की सीट पर समाजवादियों का चेहरा कौन होगा इसके लिए सर्वे भी कराया था और इसी सर्वे में लोगों ने डिंपल के नाम पर मुहर लगाई, जिसके बाद सपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके यह ऐलान किया कि मैनपुरी सीट पर सपा की उम्मीदवार डिंपल यादव होंगी और सपा का मानना है कि मैनपुरी सीट पर कोई भी पार्टी कंपटीशन में है ही नहीं, यानी कि जीत एक तरफा होगी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने कन्नौज की पूर्व सांसद महिला सशक्तिकरण की प्रति आदरणीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी उपचुनाव लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैनपुरी में अन्य कोई भी राजनीतिक दल कंपटीशन में है ही नहीं, अन्य किसी दल के पास कार्यकर्ता तो छोड़िए बूथ पे वर्कर नहीं है, तो वहाँ पर कोई टफ तो छोड़ दीजिए कोई कॉम्पिटिशन में ही नहीं है। सपा का मानना है कि मैनपुरी में सपा के कॉम्पिटिशन में कोई नहीं, लेकिन मैनपुरी के चुनाव को तकदीर का चुनाव बताने वाले चाचा शिवपाल डिंपल के नाम के ऐलान को लेकर पूरी तरह से अनजान दिखे। देखिए आज अधिसूचना जारी हुई है। वैसे तो देखिए जो सवाल आपने छोड़ा है मुझे तो पता नहीं, आपके द्वारा जानकारी हो रही है, मुझे तो मेरी जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो पता नहीं आपने ये सवाल कहां से पूछ लिया। वहीं दूसरी ओर मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी ने सपा पर करारा हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी में कोई कार्यकर्ता सिर्फ जयकारों और नारों के लिए होते हैं, चुनाव को सैफई कुनबा ही लड़ता है। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है, चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा, मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। वहीं अपने चित्त परिचित अंदाज में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर ट्वीट कर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, सपा में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तो श्री धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव तो श्रीमती डिंपल यादव जी लड़ेंगी। सपा को परिवार के बाहर से नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी। जबकि उप मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल, सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, # मैनपुरी कमल का फूल। अखिलेश पर केशव का प्रहार, तो दूसरी ओर अखिलेश के साथ रहे ओपी राजभर ने मैनपुरी सीट पर सुबह सपा उम्मीदवार के तौर पर इटावा के रहने वाले रमाकांत कश्यप को उम्मीदवार बनाया है, जो जाहिर तौर पर वोट कटवा उम्मीदवार साबित होंगे। खैर अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी मैनपुरी सीट पर जीत का दम भर रही है तो बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा जो डिंपल यादव को सीधे तौर पर चुनौती दे सके। और कहा तो ये भी जा रहा है कि चाचा शिवपाल के बागी तेवर को कुचलने के लिए अखिलेश ने ये दांव चला है, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मैनपुरी के रण में यादव कुल से ही बीजेपी का उम्मीदवार भी होगा। सूत्रों की माने तो हो सकता है कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को मैनपुरी के चुनावी मैदान में उतार सकती है और अगर ऐसा होगा तो मैनपुरी का रण बेहद दिलचस्प होगा।